नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भाई करता 23 पर। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं GIC लेक्चरर भर्ती, LT ग्रेड टीचर्स भर्ती न्यूज़, दून वैली पब्लिक स्कूल भर्ती, TGT PGT PRT नई शिक्षक भर्ती की मांग, उपवास कर मांगा रोजगार का अधिकार, जानिए सब कुछ इस वीडियो में शुरू से लेकर। आउटसोर्स कर्मचारियों का को शोषण से मिलेगी मुक्ति, प्रदेश में सरकार के लिए नई आउटसोर्सिंग नीति तैयार, जल्द ली जाएगी कैबिनेट की। आउटसोर्सिंग के आवेदन के समय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे प्रमाण पत्र। चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले कुछ अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता व अनुभव प्रमाण पत्र उनके द्वारा पोर्टल पर उल्लिखित विवरण के अनुसार नहीं होने पर चयन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। इस समस्या के समाधान के लिए सेवा आयोजन पोर्टल पर अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकृत के समय शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव के विवरणों को सहायक प्रमाण पत्रों के आधिकारिक रूप से पोर्टल पर आउटसोर्सिंग के लिए आवेदन करते समय अपलोड। सिविल लाइन्स स्थित धरना स्थल पर भर्ती की मांग को लेकर नारेबाजी, नई शिक्षक भर्ती शुरू करने को भरी हुंकार। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 1,26,000 रिक्त पदों के बावजूद 5 वर्ष से भर्ती नहीं आई है। DLED प्रशिक्षित बेरोजगार सोमवार को पत्थर की जगह पर प्रदर्शन किया। DLED प्रशिक्षित मोर्चा अध्यक्ष सदस्य ने कहा कि जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन। नई शिक्षक भर्ती को लेकर के विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन। नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को पत्थर गिरजाघर स्थित धरना पर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षक के 1,26,000 पद रिक्त होने के बाद भी बेसिक विभाग की ओर से कोई रिक्त पदों का डाटा सरकार को मुहैया नहीं कराया गया। DLED BTE संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष विनोद पटेल ने बताया कि सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती कटोप प्रकरण पर 51,112 अगली शिक्षक भर्ती देने का अल्पनामा लगाया था, लेकिन 5 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भी बेसिक विभाग में कोई भर्ती। अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के लिए अड़े रहे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को लेकर सोमवार को अभ्यर्थियों ने चंद्रशेखर पार्क में बैठक की, जिसमें हाईकोर्ट में आगामी सुनवाई के लिए विशेष रणनीति। दून वैली पब्लिक स्कूल में भर्ती आई है। PRT TGT और PGT के लिए वैकेंसी है। इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। रिक्वायर्स इमीडिएटली यानी तुरंत भर्ती होनी है। ये इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। क्रिटेरिया वही रहेगा TGT और PGT के लिए जो है। TGT के और PGT के लिए BEd होना जरूरी है। अलग अलग विषय पर भर्ती है। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, हिस्ट्री, आपकी मैथमेटिक्स और साइंस आदि में। अब आवेदन का माध्यम क्या रहेगा? आवेदन का माध्यम होगा अभ्यर्थी को अपनी हैंड राइटिंग में एप्लीकेशन लिखनी है और अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो उस पर लगानी है और प्रिंसिपल को 7 दिन के भीतर भीतर पब्लिश करनी है। अपने एडवर्टाइजमेंट की तारीख के और ईमेल ID पर जा कर के आपको ये भेज। रोजगार को लेकर गर्जे युवा, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले प्रदेश में रिक्त पड़े 6,00,000 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर सोमवार को पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन किया। संयुक्त युवा के आह्वान पर गांधी जयंती के अवसर रोजगार की मांग को लेकर एकजुट हुए युवाओं ने सामूहिक उपवास भी रखा। युवा मंच ने प्रदर्शन में मांग की कि आगामी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले प्रदेश में विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े 6,00,000 पदों पर भर्ती की जाए। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को भेजा गया। मुख्यमंत्री को प्रेक्षित ज्ञापन में 6,00,000 रिक्त पदों को भरने की तत्काल गठन करने की मांग। TGT PGT विज्ञापन 2022 में रिक्त 25,000 पदों को शामिल करने, असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी परीक्षा तिथि घोषित करने के लिए 3 साल से भर्ती नहीं आए है। TGT PGT की 2022 की एग्जाम को कराने के लिए और LT और लेक्चरर भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन किया। सिविल लाइन्स में धरना स्थल पर सोमवार को बेरोजगार के मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए युवा मंच के बैनर तले अभ्यर्थी, उपवास कर मांगा रोजगार का। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।